सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्रिएट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी क्लास 11th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू लेके आया हूँ हर वैरायटी का। अगर आपने पुराना वरदान नहीं देखा है तो यार फटाफट देख लो, शायद ही कोई होगा जो नहीं देखा हुआ है, जो नए सब्सक्राइबर होंगे बस वही नहीं देखे होंगे। बाकी अगर आप लोग जाके देख लो, वहाँ से भी आपको जो है 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ पे भी आपको 25 वैरायटी क्वेश्चन मिल, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार से तरीके से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, कितने वैरायटी से पूछता है, तो आप एक ओवरऑल आपको अंदाजा लग जाएगा। और आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, है ना, इसी के अराउंड जो है आपके एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सर चलो यार प्रैक्टिस करते हैं हिंदी क्लास 11th के लिए, ठीक है, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो गाइस, करना वही है कि आपको 25 क्वेश्चन ईमानदारी से करना है, देखना आप हिंदी में से 25 में से कितना कर पाते हो, ठीक है। सो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, फटाफट रखते चले जा रहा हूँ, आप फटाफट आंसर मार्किंग अपने माइंड में करते चले जाओ और एक बार जो है वीडियो पूरा ऐसा करके देख लेना और कमेंट में करना आपने 25 में से कितना आंसर सही किया। सो गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, 4 में से 1 सही 3 गलत है, जल्दी बताइए सही वर्ड कौन सा होगा, है ना। सो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ, फटाफट से पढ़ लो इसका करेक्ट। मैं इसे बोल नहीं सकता वरना बोलने में क्या होता है, लोग मैच कराते हैं ना, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, तो उसको छोड़ो, जो आप जानते हो उस वर्ड से लगाओ, क्योंकि आपको पेपर मिलेगा क्वेश्चन में, आपको OMR सीट भरनी है, पेपर मिलेगा, ठीक है, बताऊँगा, टेंशन मत लो कैसे OMR भरनी है, कैसे क्या करना है, फटाफट से सब बताऊँगा। तो फाइनली यार इसका करेक्ट आंसर है सी, उन्नति इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब कैसे लिखाया था इसको आप देख लो, इसीलिए बोलते हैं जैसे बचपन में वो श्रुति लेख लिखवाया जाता था, ठीक है, क्लास वगैरह में, तो अपने जो किताबों के वर्ड्स हैं या ग्रामर में जो वर्ड्स हैं, तो इसलिए इन सब वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ा जाता है लिटरेचर को। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, है ना, प्रत्यय उपसर्ग आप जानते हो, प्रत्यय लास्ट में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। सो गाइस, दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा है क्या, हाँ भुलावा, ठीक है। सो गाइस का करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आवा प्रत्यय नहीं है उसमें, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है गाइस सी, लावा। लावा में कोई आवा नहीं लगा है, लावा मतलब लावा ही होता है, ठीक है, बाकी में चढ़ावा जैसे चढ़ना धन आवा, चढ़ धन आवा, चढ़ावा दिख धन आवा, दिखावा भूल धन आवा, भुलावा, तो उसी प्रकार लावा तो अपने आप में ही शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3, मूक का सही विलोम क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट से, मौनी, मौन, वाचाल या वाचक, ठीक है, मूल का सही विलोम क्या होगा। आप लोग जो है क्लास 9th का हिंदी का भी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, वहाँ का भी आपको इंग्लिश हिंदी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है, उधर का भी आप 25-25 आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो मूक का सही विलोम शब्द है गाइस वाचाल, मूक मतलब जो बिल्कुल नहीं बोलता, वाचाल मतलब खूब बोलने वाला। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, किस क्रम में, है ना, इसमें से जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है इसमें बताइए कौन सा एक अधिकरण कारक का उदाहरण है, अधिकरण कारक, बहुत ही आसान हो है, जल्दी बताइए फटाफट, जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ोगे और अधिकरण कारक को याद करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस, जल्दी बताइए, आपने लगा दिया, बताऊं इसका करेक्ट आंसर है, यह सुधीर का पेन है, है ना, इसमें अधिकरण कारक का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी देखो अधिकरण कारक में आता क्या है, मे और पर, तो देखो यहाँ पे छत पर खेलो ये भी है, पिताजी कार्यालय में ये भी है, अलमारी में कपड़े रखे ये भी है, यह सुधीर का पेन है ना, उसका संबंध है पेन का, सुधीर संबंध कारक होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता, ठीक है, अधिकरण कारक। क्वेश्चन नंबर 5 का, सो गाइस किस शब्द में बहुव्रीहि समास है, जल्दी बताइए फटाफट से, ABCD ऑप्शन आपके सामने हैं, मेघनाथ, सप्ताह, यश प्राप्त या हस्तलिखित, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ, जल्दी बताइए, बहुव्रीहि समास, डेफिनेशन तो जानते होगे, ठीक है, शब्द रहता है उससे किसी तीसरे की मीनिंग होती है। सो गाइस मेघनाथ इज द राइट आंसर, मेघनाथ जो है इंद्रजीत को बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, स्वागत शब्द का, स्वागत शब्द में जो है संधि का कौन सा प्रकार है, ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, वृद्धि, गुण, यण, दीर्घ स्वर संधि, जल्दी बताइए फटाफट से। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ, जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर है गाइस यण संधि, स्वागत, सुधन आगत, जमला के बन जाता है स्वागत, संधि वगैरह आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, डेफिनेशंस, इनके एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 7, वसुधैव का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, संधि विच्छेद करना है, ठीक है, वसुधैव का, तो गाइस ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी लगाइए फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, हो गया आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर है वसुधा धन एव मिलके हो जाता है वसुधैव, है ना, वसुधैव कुटुंबकम।
क्वेश्चन नंबर 8, विरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द है ना, विलोक नहीं, विलोम शब्द, विरक्ति का। सो गाइस ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है, आशक्ति, भक्ति, अनुरक्ति, सहशक्ति। जल्दी लगाइए विरक्ति का क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है, जिन्होंने ए दिया गलत है, ए नहीं हो सकता। इसका करेक्ट आंसर गाइस सी, अनुरक्ति इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। घी के दिए जलाना एक मुहावरा है, आपने पढ़ा होगा ना मुहावरा, लोकोक्तियाँ वगैरह, तो वही है घी के दिए जलाना। इसका कोई डबल मीनिंग है ना, दूसरा मीनिंग है। तो बताइए फटाफट क्या होगा। ईश्वर की भक्ति करना, प्रसन्नता प्रकट करना, पूजा पाठ करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ, करेक्ट आंसर है बी, प्रसन्नता प्रकट करना। ठीक है, घी के दिए जला रहा है भैया, मतलब बहुत ही क्या बात है, खुशी के दिन आ गए हैं। आप भी जब CHS में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप भी जो है घी के दिए जलाना। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन सामने। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए फटाफट से, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने है, 3, 6, 4, 7। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर है, नाम सर्च करके पढ़ लीजिएगा कितने सर्वनाम होते हैं, क्या उनकी डिफिनीशंस वगैरह हैं। ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, ये सब चीज़। इसका करेक्ट आंसर गाइस 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो कई सारे लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, नहीं है वो पढ़वे नहीं करते हैं, और फटाक्चे जो देखता है OMR में भर देते हैं। अब एक बार ने आपने OMR में कुछ कट पिट कर दिया तो हो गया, बस उसी गोले को फिर रंगना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सब चीज़ सावधानी बरतनी होती है, बताएंगे कैसे करना है, टेंशन क्यों लेते हो। पहले तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया। इसका करेक्ट आंसर है मुकुल, इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। मुकुल मतलब होता है कली, बाकी सबका मतलब होता है फूल। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? सूरज, हाथ, जगमग, औरत। विदेशी शब्द, ठीक है, विदेश से आया है। आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है औरत। औरत जो है विदेशी शब्द है, ठीक है, ये कहाँ से आया? अरबी से आया है, अरब से। तो ठीक है, विदेशी शब्द है, विदेश से आया है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जल्दी बताइए। रेगिस्तान, चीन, गंगा, राम, यह एक जातिवाचक संज्ञा है, वो संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है गाइज रेगिस्तान, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। बाकी देखो, चीन, गंगा, राम, जय श्री राम। ठीक है, राम तो किसी मतलब लड़के का भी नाम हो सकता है, मतलब वहाँ पर इस तरह की बात है। तो चीन, वरना हमारे तो श्री राम ही है ना, बाकी अगर किसी लड़के का नाम है तो वो तो सिर्फ राम लिखा जाएगा। क्या नाम है? हाँ, रेगिस्तान। रेगिस्तान जो है जातिवाचक है, बाकी सब देखिए यहाँ पे अब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन सामने। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियाँ हैं? जल्दी बताइए फटाफट से। ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने हैं, 38, 40, 38, 44, 33, 52। कितनी लिपियाँ हैं हमारे हिंदी भाषा में? ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने हैं, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर गाइस 52 है ना, 52 लिपियाँ हिंदी भाषा में, हमारे हिंदी भाषा में टोटल। ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हम लोग, तो गाइस टोटल 52 लिपियाँ हैं और 22 भाषाएँ हैं टोटल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं? ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने हैं, 10, 16, 8, 24। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 10, 16, 8, 24। चौपाई आपने सुना होगा ना, चौपाई मतलब नहीं जानते क्या? अरे आपका वो क्या नाम है, हनुमान चालीसा हमारा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलनामा, अंजनि पुत्र पवन सुतनामा। ये क्या है? चौपाई तो है। प्रत्येक चरण में इसमें गाइस 16 मात्राएँ होती हैं, इसलिए इसे चौपाई बोला जाता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार हैं? ठीक है, उसमें क्या पूछा था, सर्वनाम, समास कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर गाइस 6, ये भी 6 प्रकार के होते हैं। वाह, आपको तो सर्वनाम और समास दोनों याद हो गया होगा अब तक तो। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? मैंने पढ़ा होगा ना रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, बताइए रूढ़ शब्द नहीं है। दिन, घोड़ा, आँख, विज्ञान। इसका करेक्ट आंसर है, लगा दिया, सो इसका करेक्ट आंसर है विज्ञान, रूढ़ नहीं है। ठीक है, अब दिन को नहीं तोड़ सकते आप, घोड़ा में क्या ही तोड़ोगे आँख को, लेकिन विज्ञान को है ना, विधन ज्ञान,
तो दो पार्ट में टूट सकता है, लेकिन बाकी जो है वो तो शब्द जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, किस रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा, बताइए फटाफट। यानी पीने वाला रस नहीं भाई, ये हिंदी साहित्य का रस है, बताइए फटाफट से किस रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, है ना। रस गर्मी में सुनते ही तो बस मैंगो रस याद आता है। ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी तेज़ा करेक्ट आंसर गाइस, श्रृंगार रस इज द राइट आंसर, है ना, श्रृंगार रस। बढ़ते हैं आगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हर्ष चरित के लेखक कौन है, लेखक वगैरह भी पूछे जाते हैं तो लिटरेचर में लेखक वगैरह के नाम पता नहीं चाहिए ना, कुछ कुछ जो फेमस राइटर्स होते हैं या फिर उनके जो बुक्स होते हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि उनके राइटर का नाम बताइए या इनका कौन सा बुक है या कौन सी क्या लिखे हुए हैं, इनकी रचना क्या है, तो वो सब रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन सामने हैं, आई होप आपने इसका आंसर लगा दिया। उसका करेक्ट आंसर है बाणभट्ट इज़ द राइट आंसर, हर्ष चरित्र के लेखक हैं। मैं बोलता हूँ तो आप सुनते जाया करो तो भी आपको मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द गुड अर्थ किसने लिखा, ऑप्शन आपके स्क्रीन सामने फटाफट। ये सब राइटर्स वगैरह के क्वेश्चन मैंने ऐड किया है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए ना, कुछ हेल्प यहाँ से भी मिल जाए। सो इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर है सी, पल्स एस बक इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पता है मेघदूत किसकी रचना है, ये तो सबको बता देना है, मतलब मुझे नहीं लगता शायद ही कोई बचेगा जो नहीं बता पाएगा। मेघदूत किसकी रचना है, बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ए, कालिदास इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, अपने इंडिया का शेक्सपियर है कालिदास बोला जाता है, है ना। क्वेश्चन नंबर 22, इटर्नल इंडिया किसकी रचना, जल्दी बताइए, ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने हैं। इटर्नल इंडिया, सूरज भगवती चरण शर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी या मुंशी प्रेमचंद या मैथिली शरण गुप्त, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सूरज इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर है, सूरज इसका करेक्ट आंसर है, देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। रंगभूमि किसकी रचना है, ठीक है, रंगभूमि जल्दी बताइए, पढ़े हो नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं यार, सीखने के लिए तैयार हो जाओ। उसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, मुंशी प्रेमचंद, देखिए बहुत फेमस हैं, इन्हीं की रचना है रंगभूमि। बढ़ते हैं आगे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सूर्योदय में संधि का कौन सा प्रकार है, ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, गुड़ संधि, व्यर्थ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ स्वर संधि, जल्दी बताइए। सूर्य इसका करेक्ट आंसर है गुड़ संधि, ठीक है, सूर्य धन उदय, सूर्योदय बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। नील गाय शब्द का समास विग्रह है, ठीक है, नीली है जिसकी गाय, नीली है जो गाय, गाय का नीला रंग या गाय नीला है, ठीक है, नील गाय, बताइए फटाफट से इसका समास विग्रह क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर है नीली है जो गाय, ठीक है, नील गाय, देखा होगा ना गाँव वगैरह में खेत आते हैं, खेतों में मतलब चर जाता है पूरा सारा कुछ, है ना, तो उसको वो नील गाय आती है, तो उसका जो समास विग्रह होगा नीली है जो गाय। तो इसी प्रकार से हो गया अपना ख़त्म 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग जो है वीडियो पसंद आई तो यार लाइक शेयर सब कमेंट करिएगा, और क्लास 9th का जो है ज़रूर देखना, है ना, क्लास 9th का भी हिंदी इंग्लिश जो आ रहा है वो भी ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, तो आपको उधर की प्रैक्टिस रहेगी। पुराने वरदान सीरीज को भी आप लोग देख लीजिएगा तो आपको इससे एक मोटा मोटा अंदाज़ा पड़ जाएगा किस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी लगे हाथ, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद भी हो जाएंगे। तो बाकी यार चैनल पे बने रहो फटाफट, है ना, चैनल को भी बने रहो सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके, और वरदान सीरीज में यार क्लास 11th का हिंदी भी हो चुका है, ठीक है, आई थिंक यार क्लास 11th का सारा कुछ कंप्लीट हो गया, आर्ट्स कॉमर्स बायो मैथ्स हिंदी इंग्लिश, है ना, सब कुछ हो गया है। प्लेलिस्ट तैयार होकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और क्लास 9th का जो बचा है वो भी मैं ला दूंगा। अब इसके बाद जो है हम लोग कैसे एग्ज़ाम में बैठ के अच्छे से एग्ज़ाम देना है उस चीज़ पर रिलेटेड हम बातें करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो वरदान सीरीज़ क्लास 11th के लिए ख़त्म हो चुकी है, क्लास 9th का एक वीडियो बचा है वो भी मैं जल्दी से जल्द ला दूंगा, और फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, तैयारी करते रहना।